ममता बनर्जी ने बंगाल में शासन की बागडोर संभाल ली है। पुलिस महकमे में अपने मनपसंद अफसरों को पदों पर आसीन कर दिया है। बावजूद इसके बंगाल चुनाव 2021 के बाद शुरू हुई हिंसा थमने का नाम ही नहीं ले रही है। अब तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे थे, लेकिन अब केंद्रीय मंत्री पर हमला हुआ है। जी हाँ, बंगाल में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन पर हमला हुआ है। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता इस वीडियो को ट्वीट करके ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस से सवाल कर रही है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट कर ममता बनर्जी पर हमला बोला है। कहा है, कितने शर्म की बात है कि आप में इतना साहस आ गया है कि पश्चिम मेदिनीपुर में आप अपने लोगों को केंद्रीय मंत्री पर हमला करने के लिए उकसाती हैं। क्या यह फर्जी वीडियो है? वहीं संबित पात्रा ने आगे पूछा है कि क्या आपने बंगाल को किलिंग फील्ड में नहीं तब्दील कर दिया है? आपके कार्यकाल में शासन प्रायोजित हिंसा का दौर पूरी दुनिया देख रही है। वहीं ज्ञात हो कि बुधवार को शपथ लेने के बाद ममता बनर्जी ने दावा किया था कि राज्य में हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जो भी हिंसा करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगले ही दिन गुरुवार 6 मई को जब प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष राहुल सिन्हा के साथ वी मुरलीधरन पश्चिमी मेदिनीनगर पहुंचे, तब एक इलाके में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला कर दिया। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।